कृषि बजट 2023-24 को लेकर जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार किसानों को लाभ मिले इसके लिए कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। जिला कलेक्टर ने कहा, किसान पोली हाउस को बढ़ावा दे, किसान योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए राज किसान ऐप डाउनलोड करे, जिससे कृषि संबंधित सभी जानकारी मिल सके। सीकर जिले में कृषि विभाग के द्वारा जो कृषि बजट जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कृषि बजट का जो सेकंड टाइम का इस बार इसका 7500 करोड़ रुपये बजट दिया गया, उसी बजट के संबंध में आमुखीकरण कार्यशाला कराई गई। इसमें जो सीकर जिले के सभी जो काश्तकार जो मेजर प्रगतिशील काश्तकार आए सबको जो बजट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बताएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, राज किसान पोर्टल जो है वो स्पेसिफिकली ऐसा पोर्टल है जिसमें 100 एग्रीकल्चर से संबंधित सर्विसेज हैं। राज किसान सुविधा है जिसके माध्यम से काश्तकार अपने क्रॉप लॉस को रिपोर्ट कर सकते हैं, साथ में ऑटो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के माध्यम से वो अगर अपनी डिटेल डाल के ये चेक कर सकता है कि उसकी कौन कौन सी स्कीम्स के लिए एलिजिबल है, साथ में कस्टम हायरिंग अगर किसी को ट्रैक्टर की अपनी डिमांड रेज करनी है तो नियरेस्ट वहाँ से रेज कर सकते हैं, साथ में फसल की जो भी अपनी क्रॉप लॉस की रिपोर्ट है वो ऑनलाइन उस पोर्टल के थ्रू उसके माध्यम से कर सकता है ऐप के माध्यम से। यूजली कंप्लेंट रहती है क्रॉप इंश्योरेंस में टॉल फ्री काम नहीं करता, तो उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी बिकॉज वो GIS बेस्ड फोटोज अपलोड कर सकते हैं और वो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन उससे चल रहा है। साथ में जो CCE ऐप है क्रॉप कटिंग ऐप वो भी ऑनलाइन आजकल मिली है, जिसका फायदा ये है और जो अनुदान जो मिलता है कृषि का वो जल्दी से जल्दी कृषि को मिल जाएगा। जिला प्रमुख ताराचंद ढायल ने कहा, किसानों को फसल बीमा योजना का समय पर लाभ मिले, प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान का समय पर सही सर्वे होना चाहिए। आज एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो आज के कार्यशाला में बहुत सारे काश्तकार जो फसल के अलग अलग नवाचार करते हैं वो पधारे। हमारा सीकर जिला वाकई में खेती आधारित जिला है, लेकिन थोड़ा मुझे आज इस बात का भी दुख हुआ कि इतने सारे जिले के जनप्रतिनिधि होने के नाते इस कार्यशाला में मैं एकमात्र जनप्रतिनिधि ऐसा था जो स्वयं पूरे समय हमारे काश्तकार साथियों के साथ बैठा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, सरकार की जो जो भी योजनाएं हैं वो सीधा काश्तकारों के पास उस योजनाओं का लाभ मैंने अब तक कम मिलते हुए देखा है। आपने अभी रिसेंट देखा है, चाहे अतिवृष्टि की बात हो चाहे ओलावृष्टि की बात हो, काश्तकारों को न तो अतिवृष्टि का मुआवजा मिला और न ओलावृष्टि का मुआवजा मिला। और जब जब भी ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया जाता है वहाँ एक टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं कि आप इस टोल फ्री नंबर पे शिकायत अपनी दर्ज करें, वो टोल फ्री नंबर कभी किसी को मिलता नहीं। इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं। और सब काश्तकार साथियों के जब KCC किया जाता है उसको लोन दिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी पहले ही वो पैसे काट लेती है, उसके बाद भी उनको उसका फ़ायदा मुआवजे के रूप में फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती। अभी मैं जो चर्चा भी आपके बीच में कर रहा था, हमारे एक काश्तकार बेरी का था, आज से 3 दिन पहले बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी पूरी फसल 17 बीघा खराब हो गई थी। और वो काश्तकार लगातार 1 साल से प्रयास इस बात का कर रहा था कि मेरे खेत के बीच में आपने ज़मीन के 2 फुट ऊपर की ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर रख कर आप इसको चेंज कर दें, पत्राचार के माध्यम से उसने कह दिया, व्यक्ति से जाके उन्होंने कह दिया। और अंतोगत उसका असर ये हुआ कि उसका पूरा फसल उस बिजली के ट्रांसफार्मर की वजह से ख़त्म होगी। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सरकार की योजनाएँ हैं उन योजनाओं का लोगों को फ़ायदा मिले, इसलिए थोड़े फायदा कम मिल रहा है। इसलिए ग्रामीण अंचल में जहाँ जहाँ भी ऐसी कार्यशाला रख के लोगों को जागरूक किया जाए, जैसे मिनीकिट की बात आई, मिनीकिट जब देने की बारी आती है तो बहुत कम संख्या में मिलता है, ये ऐसी इस कार्यशाला में उभर के आई। विशेष तौर से अच्छे काश्तकार जो हमारे ज़िले के हैं वो आज के इस कार्यक्रम में और इस कार्यशाला में आए। विशेष तौर से आप भी इस कार्यशाला में जब काश्तकारों के हितों की बात हुआ करते हैं, आप इस बात को आपके संचार के माध्यम से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, समय देते हैं, उसके लिए मैं आपको भी व्यक्ति से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।
बिसुका जिला उपाध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा, मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कृषि बजट दिया है, इसका लाभ किसानों को अधिक से अधिक मिले, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए। जिला स्तरीय कृषि विभाग के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारी और प्रगतिशील किसानों के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान सरकार ने जो कृषि विभाग से अलग से जो पिछले दो साल से अलग से बजट पेश किया जा रहा है, इस साल जो बजट है वो 5,000 करोड़ से बढ़ाकर के 7,500 करोड़ रुपए का बजट किसानों से के लिए अलग से पेश किया गया है, जिसमें किसानों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। उन घोषणाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारी और प्रगतिशील किसान हैं, वो जिले के वो किसान हैं जो कोई भी नवाचार करते हैं, वो किसी भी स्कीम का फायदा लेते हैं, जिनके माध्यम से दूसरे किसान प्रेरित होकर के उन्हीं नवाचारों को अपनाते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी बचत, राहत और बढ़त, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणाएं की हैं और उन बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए ही आज अमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई है। इस जिला स्तरीय कार्यशाला के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि किसानों के लिए बहुत ही शानदार कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अतिरिक्त निदेशक कृषि यशपाल महावत, संयुक्त निदेशक डॉक्टर होशियार सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान प्रमोद कुमार, उप निदेशक हरदेव सिंह बाजिया, कृषि विभाग के रामनिवास पालीवाल, पशुपालन विभाग के अधिकारी और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।